गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई सारी बेटा आदित्य यस सर अनु अरे आरती फैजुल यस सर चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर आज जो टॉपिक है पाइथन में वो है स्ट्रिंग। तो पिछली क्लासेस में अपन ने लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी ये कुछ डेटा टाइप्स देखे थे। आज अपन देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप अपने पास स्ट्रिंग। ठीक है ये वाली पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन क्लोज कोट्स का जो डबल कोट में क्लोज होती है वो हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रिंग। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग को हम डबल कोट में दे सकते हैं, सिंगल कोट में दे सकते हैं, डबल डबल कोट में दे सकते हैं और सिंगल तीन बार सिंगल सिंगल कोट लगा के भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग को डिफाइन करने के हमारे पास चार तरीके हैं। एक तो अपन डबल कोट में दे सकते हैं, सिंगल कोट में दे सकते हैं और तीन बार डबल डबल कोट स्टार्ट, तीन बार डबल कोट क्लोज। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को दे सकते हैं और सिंगल कोट में भी हम दे सकते हैं, तीन बार सिंगल कोट से स्टार्ट और तीन बार सिंगल कोट से क्लोज। तो इस तरीके से हम पाइथन को यहाँ पे हम कोष्टक्स के आधार पर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। तो देखिए हमारे पास क्या स्ट्रिंग की जो बिल्ट इन क्लास होती है तो वो होती है एसटीआर क्लास। कौन सी क्लास? एसटीआर। जैसे हमने आपको लिस्ट डेटा टाइप की क्लास बताई, लिस्ट होती है, सेट की सेट क्लास होती है, तो अलग अलग वैसे हमारे पास पाइथन में जो स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसकी बिल्ट इन क्लास हमारे पास क्या है? एसटीआर क्लास है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम कोष्टक यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? डबल कोट और सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिंग के साथ हम अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, कोई भी स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास जो अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, डिजिट्स भी ले सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्प्लीमेंट इम्यूटेबल डेटा टाइप। कैसा है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है और स्ट्रिंग का जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। और हमने आपको बताया था कि जो इसमें हमारे पास पाइथन एक रूल होता है कि जो नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है -1, -2, -3 ये हमेशा आपके लास्ट साइड से स्टार्ट होती है, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। अगर हमें एंड ऑफ से कभी वैल्यू को सीक्वेंस से सर्च करना हो तो हमेशा हम किसमें देते हैं? नेगेटिव में देते हैं। और जब हमें स्टार्टिंग से वैल्यू देना होता तो हमेशा हमारी और लोअर इंडेक्स। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। जो हमेशा मिनिमम इंडेक्स स्टार्ट होती है वो स्ट्रिंग में कितनी होती है? जीरो पॉजिटिव से। और नेगेटिव साइड जब हम आते हैं तो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? लास्ट एलिमेंट्स को। जैसे -1 दिया तो -1 हमेशा हमारी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने डबल कोट में लिखा पाइथन, तो पाइथन की जीरो इंडेक्स हमारी कौन? जीरो इंडेक्स पे क्या होगा? पी। और अगर हम -1 की बात करें तो -1 पे हमेशा हमारा होगा एन। क्लियर? तो हमेशा हमारा जो लास्ट से इंडेक्स चलती है -1 में चलती है, यानी कि हमारी नेगेटिव में चलती है। और जीरो से हमेशा हमारा स्टार्ट होता है पाइथन, वो हमारी कौन सी? पॉजिटिव इंडेक्स। तो अगर हमें स्टार्टिंग से चलना हो, स्टार्ट एलिमेंट देखना तो जीरो से देखेंगे और लास्ट एलिमेंट अगर हमें देखना है तो हम किससे देखेंगे? -1 से। ये बेटा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यही पॉइंट हमारा इसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। बताएं बेटा आदित्य, अनु, आरती, फैजुल, सादा, क्लियर? ये वाला समझ में आया -1 वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है यस सर। अब देखिए स्ट्रिंग को डिफाइन करने का जो हमारे पास तरीका होता है, स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोई हमारा इस तरीके से डेटा टाइप यूज होता नहीं। तो हमने यहाँ पे जैसे यूज करते हैं क्या कि एसटीआर नेम और सिंगल कोट में हमने यहाँ पे दे दी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा एसटीआर नेम नाम से क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, एस इक्वल टू डबल कोट में नाम दे दिया, जैसे हमने दे दिया हाय, क्या दे दिया? हाय। तो ये भी हमारा क्या है? स्ट्रिंग है।
तो चाहे सिंगल कोट यूज कर ले चाहे डबल कोट, यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते थे, तीन बार लगाते हैं और तीन बार सिंगल कोट, तो यही हमारे यूज होते हैं, क्लियर। अब हम इस हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अगर इंडिविजुअल एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना हो तो किस तरीके से यूज करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें अपन पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इंडेक्स, जैसे अभी यहाँ पे पास किया हमने वैल्यू, तो यहाँ पे बी जीरो वन टू थ्री फोर इस टाइप से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो अगर हमने यहाँ पे जैसे वन पास कर दिया तो वन इंडेक्स पे हमारा बेटा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये रिटर्न करके आपको क्या दे देगा, ए दे देगा, क्या दे देगा, ए। अगर हमने टू इंडेक्स पे देखो तो यहाँ टू इंडेक्स पे आपके पास क्या आ रहा है, एल, तो अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स पास की टू तो ये आपको क्या दे देगा, एल दे, क्या दे देगा, एल। तो इस तरीके से इंडेक्स के आधार पर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए इसका स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, बहुत ज्यादा, इससे अच्छा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगता किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, क्लियर। अब स्लाइसिंग का मतलब होता है, समझते ना, सब स्ट्रिंग, यानी किसी भी दी गई स्ट्रिंग से स्ट्रिंग निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं स्लाइसिंग, क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग, क्लियर। तो स्लाइसिंग का देखिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम देते हैं स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एस वन वेरिएबल लिया, एस वन, और यहाँ पे डबल कोट में जैसे हमने डाल दिया राम, क्या डाल दिया, राम, तो राम में हमारे पास जीरो वन टू, तो हम इस पे कैसे दे सकते हैं, टू से स्टार्ट, वन से स्टार्ट हो कहां तक, टू तक, तो देखिए वन से ए एम ए आपको निकाल के हमको दे देगा, क्लियर। तो यानी कि स्टार्ट वैल्यू कहां से आपको स्टार्ट करना है, एंड वैल्यू कहां से आपको वैल्यू को क्या करना है, एंड करना है। तो ऐसे काम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट। इसी में हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है एस टी आर नेम, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और मॉडिफाइज, क्या मॉडिफाइज, मतलब होता है कि आप एक एक करके, दो दो करके कैसे आप वैल्यू को जंप कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एस टी आर पाइथन इज इजी, तो देखिए बीच में हमारे पास वाइट स्पेस है, तो मेमोरी में हमारे पास एस टी आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स हमारे पास पड़े होंगे, देखिए, और इनकी इंडेक्सिंग इस तरीके से आएगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, इस तरीके से हमारे पास। और देखिए जो बेटा हमारे पास वाइट स्पेस है उनको भी एक ये करेक्टर मानता है, क्या मानता है, करेक्टर, तो उनके भी इंडेक्स जनरेट होते हैं, उनकी भी एक इंडेक्स आपकी जनरेट होती है। अगर हम यहीं पर उल्टे साइड बात करें तो हमारा माइनस सॉरी जीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड आपका कैसे स्टार्ट होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस एट माइनस नाइन, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास स्टार्ट होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे किया एस टी आर टू कॉलन एट, टू कॉलन एट, तो टू पे क्या पड़ा हमारे पास टी, और एट कॉलम कॉलम पे क्या पड़ा हुआ एस। अब इसके बीच में जितनी स्ट्रिंग आएगी ये निकाल के हमको दे देगा, ये देखिए स्टार्ट हो गया, क्लियर। ये एक आगे बात करेगा, किसकी बात करेगा, ये इतनी स्ट्रिंग हमको निकाल, अगर एट देंगे तो हमेशा ये आपको क्या लेगा, सेवन लेगा, कहां तक लेगा, सेवन तक, कहां तक लेगा, सेवन। ये देखिए हमको वैल्यू निकाल के देगी, थोनी, क्या निकाल के देती वैल्यू, बताएं बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बताएं सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया str और यहाँ पे phy python is easily डाला अपने, तो देखिए मेमोरी में str नाम का ब्लॉक बनेगा, हर एक करेक्टर जो हम डाल रहे हैं उस एक हर एक करेक्टर की क्या होगा, एक इंडेक्स होगी, क्या होगी, एक इंडेक्स होगी। तो पाइथन में मैंने बोला है कि जो स्ट्रिंग की इंडेक्स होती है जब हम पॉजिटिव साइड चलते हैं तो स्टार्ट होती है जीरो से, किससे स्टार्ट होती है, जीरो, तो देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे देखिए हमारा व्हाइट स्पेस है, सिक्स को भी क्या मानता है, एक करेक्टर मानता है। सेवन पे हमारे पास आई इज,
8 पे आ गया, 9 पे आ गया, उसके बाद देखिए एनिमल। अगर हम नेगेटिव साइड जब उल्टे साइड चलेंगे तो हमेशा हमारी इंडेक्सिंग किस पे चलती है, रिवर्स में चलती है, और किस में चलती है आपकी, नेगेटिव में चलती है। तो हमने बोला था माइनस वन हमेशा हमारी लास्ट इंडेक्स होती है, माइनस वन हमारी क्या होती है, लास्ट इंडेक्स, रिवर्स। तो देखिए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यानी इस एक अगर हम उल्टा साइड से एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस, और अगर पॉजिटिव साइड अगर एक ई की वैल्यू देखें कितनी हमारे पास, टेन, और निगेटिव साइड देखो कितनी हमारे पास, फोर। दोनों के इंडेक्स बदल गई। तो निगेटिव साइड इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव साइड इंडेक्स क्या है, ये ध्यान रखना है। तो निगेटिव साइड हम जब काउंट करेंगे तो रिवर्स, पीछे से काउंट करेंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और जब हम जीरो साइड से स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, जब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो हमेशा हमारी पॉजिटिव में जाएगी, किसमें जाएगी, पॉजिटिव में, और ये हमारे किसमें जाएगी, नेगेटिव, किसमें जाएगी, नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे किया str 2:8, तो देखिए हमारे पास 2 पे क्या आ रहा है, टी, 2 पे क्या आ रहा है, टी, तो टी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 8 अगर हमने पास किया है तो ये 8 एक आगे निकल जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 7 को, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 2 से लेके 7 के बीच में जितनी भी स्ट्रिंग आएगी ये रिटर्न करके हमको दे देगा। ये देखिए पॉइंटर आ गया, वहां दिख रहा है ना आपको, ये देखिए आ गया। अब इसके बीच की देखिए स्ट्रिंग इसने सिलेक्ट कर ली, और अब ये देखिए आपको यही स्ट्रिंग यहाँ पे निकाल के दे रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं ये बताइए आप। यस सर, आ गई, बताए बेटा। फैजुल, आदित्य, अनु, आरती, शादाब, बात समझ में आई बेटा? जी सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब हमने यहां पे किया, अब समझना, माइनस 11 कहां से स्टार्ट हो, माइनस 11, तो माइनस 11 कहां पे, कौन सी इंडेक्स है, ये, और माइनस 5 कौन सी इंडेक्स है, ये। अब इसके बीच में देखिए जो आएगा, ये देखिए पॉइंट आ गया, ये देखिए एक हमने बताया माइनस 5 दिया तो एक उससे पहले इंडेक्स लेता है, ये देखिए, और इतनी स्ट्रिंग हमको निकाल के दे, आया समझ में, बताएं? यस, यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने दिया 7, तो 7 ये इंडेक्स है, माइनस 3 ये इंडेक्स है, तो 7 से लेके कहां तक, माइनस 3 तक, देखिए क्लियर, तो माइनस 3 दिया तो एक इंडेक्स पहले, यहाँ की इंडेक्स इतनी सिलेक्ट करके देगा, कौन सी इस, ये देखिए इंडेक्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट, ये देखिए रिजल्ट आपके पास आ गया। अब बताइए समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव में देना है तो कैसे काम करना, नेगेटिव में देना तो कैसे काम करना, जब नेगेटिव में नहीं देना तो बैक साइड से काउंट होगा, जब पॉजिटिव में देना तो यहाँ पे, क्लियर, बताए बेटा, किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब ये देखा हमने यहाँ पे टू, अब समझिएगा टू कौन सी इंडेक्स, ये वाली, 9 दिया तो यानी कौन सी इंडेक्स लेगा, 8, एक पहले एक लेता मैंने बोला था, क्लियर, और यहाँ पर देखिए, और ये हमारा क्या है, मॉडिफायर, ये क्या है, मॉडिफायर, यानी एक एक काउंट करके आपको यहाँ पे देगा, ये सारे आपको इतनी स्ट्रिंग आपको निकाल के यहाँ पे दे दी कि नहीं दे दी, क्लियर। अगर हमने यहाँ पे कर दिया होता टू तो आप बताइए कैसे आता, 2 पे जाता, 2 से कहाँ जाता, 4 पे, 4 से कहाँ जाता, 6 पे, और 6 से कहाँ जाता, 8 पे, यानी कि 2-2 का जंपिंग करता, कितने का जंपिंग करता, 2-2, और बीच में एक एक करेक्टर को ये क्या कर देता, स्किप कर देता। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस मॉडिफायर का मतलब क्या है कि आपको जो चलाना स्ट्रिंग लेनी है सीक्वेंस में लेना, अगर आपने 1 दिया तो एक एक करके सीक्वेंस में देगा, अगर आपने यहाँ पे 2 दे दिया तो ये कितने का जंप करेगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है और जंप कितने करेगा, 2 का, तो 2 से कहाँ जाएगा, 4 पे, फिर 2 का जंप करेगा, 4 से कहाँ जाएगा, 6 पे, और फिर जंप करेगा 6 पे कहाँ जाएगा, 8 पे। ये देखिए हमने 9 यहाँ पे दिया हुआ है, जब 9 दिया इसका मतलब हमने अपना एक इंडेक्स पहले ही आपका रुक जाएगा। बताएं बेटा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बताएं। चलिए अब देखते हैं अपन,
आठ दिया अपन ने, यहाँ पे कितना दिया एट, और यहाँ पे दिया वन, यानी एट से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा वन तक, तो वन तक दिया इसका मतलब एक पहले, क्लियर। अब माइनस वन यानी एक एक पीछे वैल्यू जाएगा, देखिए एक वैल्यू टू आया अब माइनस यहाँ हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। वन टू फोर वॉइस आ रही बेटा? हेलो जी सर, वॉइस आ रही ना? जी सर आ रही आ रही। हेलो आदित्य, फैजुल? यस सर, अब आने लगी। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ अगर इस तरीके से देखें, जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, वन इंडेक्स पे डी यू पड़ा है, और यू से लेके कहां तक अपन को दे देगा ये देखिए, इसकी निकाल कर, क्लियर। अगर हम यहाँ स्केप लगा दें, जैसे अपने टू जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा टू इस तरीके से, ये हमारा तरीका है इसमें स्ट्रिंग को निकालने का, स्लाइसिंग करने का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट हमारे पास? स्लाइसिंग, ठीक है। हो जाएगा बेटा ये? किसी कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन? नो सर। हैं, कर लोगे? जी सर। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और फिर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलिए, थैंक यू।